बिग बॉस के बाद जब आप बाहर निकले, कैसा रिस्पांस मिला आपको और आपकी लाइफ कितनी बदली? देखिए, लाइफ इतनी बदली कि इससे पहले आपसे मिले थे? नहीं, अभी मिल रहे हैं। और लोग मतलब पहले नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे। अपन चल रहे हैं, घूम रहे हैं, रोड पे गोलगप्पा खा लिए, समोसा चाट खा लिए, ठंडा पी लिए, निकल लिए। अभी क्या है, आप चल रहे हैं, अरे वो देखो, वो वही लड़का है क्या, दीपक ठाकुर जो बिग बॉस में आया था। पापा चलते हैं, अच्छा आप आए थे ना टेलीविज़न पे, अच्छा आप दीपक के पापा हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगती है ना, तो बड़ा अंदर से थोड़ा सा मतलब अच्छा अच्छा वाला फील होता है कि यार इसी चीज़ के लिए तो इतना मेहनत कर रहे थे कि लोग जाने पहचाने, लोग इज्जत दे। कभी होता था कि हमको लोग मतलब दीपका दीपकवा ऐसे करके बोलते थे लोग, फिर दीपक लगा, फिर दीपक जी हुआ। ठीक है, अभी बड़ा अच्छा लगता है, कोई कोई दीपक सर भी बोलते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है अंदर से। तो इसी दिन के लिए मेहनत किए थे कि जीवन बदलना है, अपने माँ बाप का जीवन बदलना है, अपनी बहनों का जीवन बदलना है, और उसके लिए ही शिद्दत से लगे हुए थे। आज वो दिन धीरे धीरे देखना शुरू हुए शुरू हुआ है दिखना शुरू हुआ है, तो बड़ा अच्छा फील होता है। देखिए, जब जनता जिस पर नज़र दौड़ाती है ना, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी मुश्किलें हैं, उपलब्धियाँ हैं, वो मिलने लगती है, सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जनता हमारे लिए भगवान है, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ हैं। तो ये उनका कर्म है कि उन्होंने इस दीपक में कुछ देखा, और दीपक का किस्मत और मेहनत से मिलन हुआ, दीपक बिग बॉस में आया। उससे पहले दीपक गाने गाता था, गाने बनाता था, फिल्मों में भी गाया दीपक, लेकिन वो नेम, वो फेम, वो ख्याति नहीं मिली। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद हमारे कलर्स देवता, उन्होंने हमको मतलब एक नया जीवनदान जो कहा जाता है, पुनर्जन्म हुआ मेरा, और उसके बाद से मेरी जो ज़िंदगी है वो बदल गई।